सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य अध्यापिका एवं मेरे प्रिय मित्रगण, मैं पावनी उप्रारी कक्षा 7-10 से आपके समक्ष बाल विवाह पर अपने विचार प्रयोग करने जा रही हूँ। प्राचीन भारत में कई बुरी प्रथाएं थी, जिनमें से एक बुरी प्रथा थी बाल विवाह। यह पूरे भारत में फैली हुई थी। बाल विवाह में लोग अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करा देते थे और कोई इसका विरोध भी नहीं करता था। शादी के लिए लड़के की कानूनी उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल होती है। धीरे धीरे लोग इसका विरोध करने लगे, पर भारत में ये प्रथा कम हुई, बंद नहीं। बाल विवाह में भारत सारे देशों में से दूसरे स्थान पर आता है। इस प्रथा के काफ़ी नुकसान हैं, उनमें से कुछ है जैसे आदमी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए प्राप्त समय नहीं मिल पाता, परिवार की जिम्मेदारियां आदमी के कंधे पर समय से पहले पड़ जाती हैं, आदमी या औरत परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता और अपनी पढ़ाई अक्सर बीच में छोड़ देती हैं, आदमी या औरत अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण अपने करियर पर ध्यान नहीं लगा पाता, करियर पर ध्यान ना होने के कारण वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, महिलाएं जो समय से पहले गर्भवती हो जाती हैं उन्हें काफ़ी तकलीफें शुरू हो जाती हैं, उन्हें बच्चों को समय से पहले संभालना पड़ता है जिसके लिए वह तैयार नहीं होती। बाल विवाह एक बहुत बड़ा अपराध है जिसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। हमें लोगों को इसके नुकसानों के बारे में अवगत करना चाहिए और ये प्रथा ना हो, इसी में देश की और सबकी भलाई है। हमें इस प्रथा को ना ही सिर्फ भारत से बल्कि पूरे देश से ख़त्म करना है। धन्यवाद।